वेलकम फ्रेंड्स, माय फाउंडेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। ये है आपका एनी टाइम क्लासरूम। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में एक बेल आइकॉन है उसे ज़रूर दबाइए ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक बिना किसी रुकावट का पहुंच जाए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ माय फाउंडेशन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ RRB ALP और टेक्नीशियन में फ़ोटो से रिलेटेड कुछ क्वेरीज। बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये प्रॉब्लम आ रहा है कि फ़ोटो किस टाइप का होना चाहिए और फ़ोटो कैसा होना चाहिए इससे रिलेटेड, क्योंकि अगर आपका फ़ोटो सही नहीं है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए फ्रेंड्स, तो फ़ोटो से रिलेटेड क्वेरीज आप यहाँ पहले ही क्लियर कर लो सारा जो भी है फॉर्म भरने से पहले, क्योंकि फॉर्म भरने के बाद अगर आप कोई भी चेंजेस करना चाहते हो तो आपको 250 रुपये देने होंगे। 250 रुपये अगर इसके बाद कोई भी इन्फॉर्मेशन आप अगर चेंज करना चाहते हो, इसलिए फॉर्म भरने से पहले आप फ़ोटो से रिलेटेड जो भी डाउट है यहाँ पे क्लियर कर लो। आज मैं उन सारे डाउट्स को क्लियर करूँगा जो फ़ोटो से रिलेटेड हैं। सबसे पहली बात, RRB ने ये क्लियर कर दिया है कि उनको फ़ोटो किस टाइप का चाहिए और कैसा चाहिए। तो उनको फ़ोटो कलर चाहिए, ठीक है, और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए जिसका बैकग्राउंड वाइट या लाइट कलर का हो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक गाइडलाइन जारी किया गया है जिसमें डार्क कलर बैकग्राउंड फ़ोटो वाली को रिजेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो आपका भी फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए इसलिए आप अभी, अगर आपके पास फ़ोटो नहीं है तो आप जाके क्लिक कर लो। और दूसरी बात है, फ़ोटो के ऊपर आपका नाम और डेट प्रिंट होना चाहिए जब आपने क्लिक करवाया है फ़ोटो। बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा वो अपना डेट ऑफ बर्थ प्रिंट करवा रहे हैं। नहीं, डेट ऑफ बर्थ प्रिंट नहीं करवाना है, आपको वो डेट प्रिंट करवाना है जब आपने फ़ोटो क्लिक करवाया है, ठीक है। और वो डेट आपका 1/12/2017 के बाद का होना चाहिए, ठीक है। अगर बात करें साइज़ का, तो साइज़ होना चाहिए 15-40 KB के बीच। साइज़ को लेके आपको ज़्यादा टेंशन नहीं रहना है, क्योंकि अगर आप कैफ़े में जाते हो तो कैफ़े वाला खुद साइज़ को रिड्यूस करेगा, क्योंकि अगर 40 KB से ज़्यादा हुआ तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, 15 KB से कम हुआ तो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए साइज़ तो आपको हर हाल में 15-40 KB के बीच रखना है। प्रॉब्लम है डेट और नाम में और फ़ोटो के कलर में, यानी फ़ोटो के बैकग्राउंड कलर में, क्योंकि मैक्सिमम हम लोग का जो फ़ोटो क्लिक होता है उसका बैकग्राउंड लाइट नहीं होता है, उसका बैकग्राउंड कोई भी एक नॉर्मल सा कलर हो जाता है, स्पेशली ब्लू और ग्रीन होता है, जिसको हम लोग ध्यान नहीं देते हैं कौन सा कलर है उसके बैकग्राउंड में। अगर अभी आप गलती से भी कोई डार्क कलर वाला फ़ोटो अपलोड कर देते हो तो अभी आपको पता नहीं चलेगा, पर हो सकता है आपका फ़ोटो रिजेक्ट हो जाए। स्पेशली RRB ने एक गाइडलाइन जारी करके एक फ़ोटो का एक पूरा लिस्ट जारी किया है किस टाइप का होना चाहिए। अगर RRB की माने तो इस बार देखिए आप लोगों के सामने ये मैं एक पूरा लिस्ट दिखा रहा हूँ जो फ़ोटो एक्सेप्ट किया जा सकता है और जो फ़ोटो रिजेक्ट किया जा सकता है। अगर आपका फ़ोटो भी इनमें से कोई एक है जो रिजेक्ट किया जा सकता है तो आप उसे अभी देख लो, क्योंकि बाद में पछताने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। सबसे पहली बात, अभी जो मेजर इश्यूज है वो है इस टाइप का फ़ोटो। मैंने देखा है मैक्सिमम लोगों का फ़ोटो इस टाइप का होता है जिसे हम लोग एक्सेप्टेबल मानते हैं और हर जगह एक्सेप्टेड होता है, लेकिन RRB ने ये क्लियर किया है कि ब्लू बैकग्राउंड का फ़ोटो वो रिजेक्ट कर देगा, यानी वो फ़ोटो नहीं चलेगा। तो अगर आपको कैफ़े वाला बोलता भी है कि इस टाइप का फ़ोटो कोई दिक्कत नहीं है चलेगा, तो आप उसे रिजेक्ट करो खुद से, क्योंकि अगर अभी आपने उस फ़ोटो को अपलोड कर दिया तो हो सकता है आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए, ठीक है। इसलिए आप आज सारे फ़ोटो के एक बार ध्यान से देख लो और मैं बता दे रहा हूँ किस टाइप का फ़ोटो बेस्ट है, जो जिसमें कोई भी रिस्क ना होगा, ठीक है। सबसे पहला, ये फ़ोटो तो आपको लगाना ही नहीं है किसी भी एप्लीकेशन में, आप कहीं पे भी अप्लाई करो इस टाइप का फ़ोटो आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है ये, इसका बाद में बात करेंगे। तीसरा है ये, इस टाइप का फ़ोटो भी नहीं होना चाहिए। ये तो सिर्फ RRB ही नहीं, किसी भी अगर चीज़ में आप अप्लाई कर रहे हो तो इस सब टाइप का फ़ोटो आपका कतई नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब तीसरी बात अगर हम करें तो RRB में किस टाइप का फ़ोटो मांगा जा रहा है, तो RRB में सबसे पहली बात
फोटो का बैकग्राउंड जो होना चाहिए वो होना चाहिए वाइट या लाइट, बेस्ट है अगर आपका बैकग्राउंड वाइट है। और अगर वाइट नहीं कोई लाइट कलर का बैकग्राउंड है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं, पर मैं कहूँगा आप जाओ आप न्यू फोटो क्लिक कराओ जिसका बैकग्राउंड वाइट हो, ठीक है। दूसरी चीज़ मैंने ये देखा है कि बहुत सारे स्टूडियो वाले यहाँ पे इसको बैकग्राउंड कोई और कलर का डाल के या वाइट करके इसमें नाम और डेट लिखते हैं, आपको वो नहीं करना है। आपको नाम और डेट फोटो पे प्रिंट करना है, ना कि उसमें कोई बैकग्राउंड डालना है। यहाँ पे आपको इसको कलर नहीं करना है, आपको अपने ही फ़ोटो के ऊपर नाम और डेट डालना है जिसमें कोई बैकग्राउंड ना हो, ये भी इम्पोर्टेंट है। तीसरी बात, आपका फ़ोटो सही रेशियो में होना चाहिए। आरआरबी के अनुसार आपका फ़ोटो जो भी क्लिक हुआ हो उसका फेशियल एरिया लेस देन 50% ऑफ टोटल फोटोग्राफ हो, ऐसा ना हो आपका पूरा फ़ोटो सिर्फ फेस ही फेस हो, नहीं। तीसरी बात तो ये हुई, चौथी बात, आपका ये शोल्डर्स आने चाहिए, आपके फ़ोटो में ये शोल्डर्स आने चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। आप कहीं पे भी किसी भी चीज़ में अगर अप्लाई कर रहे हो तो ये शोल्डर्स आने चाहिए। अगर आपका स्टूडियो वाला गलत फ़ोटो निकाल रहा है तो आप उसे रिजेक्ट करो और आप दूसरा क्लिक करवाओ जिसमें आपका शोल्डर्स आना ही चाहिए, ठीक है। तो ये था फ़ोटो से रिलेटेड कुछ क्वेरीज। मुझे ये लगता है कि आप सबों का फ़ोटो से रिलेटेड क्वेरीज अब ख़त्म हुआ होगा। और हाँ, आरआरबी ने ये भी कहा है कि आपको कम से कम 12 फ़ोटो रिटेन करके रखना है फ्यूचर के लिए। अगर आप सेलेक्ट होना चाहते हो तो आप, आपके मन में ये है कि आपका सिलेक्शन होगा तो आप 12 फ़ोटो को अलग करके रख लो, कभी भी इसका ज़रूरत पड़ सकता है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में अपना क्वेरीज लिख सकते हो। बाय बाय।